नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी स्पेशल क्लास में जो कि अभी यूट्यूब पर भी स्ट्रीमिंग हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पजल बनाएंगे दोस्तों। और ये क्लास का जो टाइमिंग है वो 12 बजे का मैंने रखा है, तो होप सो कि ये कंटिन्यू हम कर पाए। बस इसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है कभी कभार, इसलिए कल वाली भी क्लास नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा दोस्तों, अभी नया नया सेटअप है तो धीरे धीरे करके सारी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट होने लगेंगी। आवाज जो है वो मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं, एक बार जल्दी से आप लोग देखकर बता दीजिए। वीडियो क्लियर है, आवाज क्लियर है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। चलिए, तो आवाज क्लियर आ रही है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तीन मिनट का समय है, इसको जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। मैं साइड हो जाता हूं। चलिए, सॉल्व हो गया लग रहा है। डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट किया जाए। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 10% ए के आर जी एम एक्स एन क्यू डी एंड वाई लिव इन अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग इन सच अ वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1
Its uppermost floor is numbered as 2. Then the topmost floor is numbered as 5. Each floor has two flat, flat 1 and flat 2. Flat 1 of floor 2 is just above flat 1 of floor 1. Falana falana jo bhi likha hua hai. Aage aapko bora flat 2 is to the west of flat 2. Sorry, yahan flat 1 hoga. Flat 1 is to the west of flat 2. तो यहां पर आपको बोल रहा है फ्लैट वन जो है ये फ्लैट टू के वेस्ट की तरफ में है और टोटल कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, पांच फ्लोर की. तो 5, 4, 3, 2, 1 ठीक है. अब बोल रहा है देयर इज अ गैप ऑफ थ्री फ्लोर बिटवीन क्यू एंड एम. देयर इज अ गैप ऑफ थ्री फ्लोर बिटवीन क्यू एंड एम. क्यू और एम के बीच में तीन फ्लोर का गैप है. तो यहां पर लिख लेते हैं क्यू और एम के बीच में तीन फ्लोर का गैप है. आगे बोल रहा है एम हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी. एम जो है वो वेस्ट की तरफ में रहता है जी से, मतलब एम जो है वो ऐसे इस तरफ रहेगा जी से. आगे बोल रहा है एम हु लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी. एन लिव्स टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू. एन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में रहता है क्यू से. अब नॉर्थ ईस्ट अगर आपको बनाना है तो ये देखो नॉर्थ ईस्ट, तो इस तरफ ऐसा होगा. तो बोल रहा है एन लिव्स टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू. एन जो है ये नॉर्थ ईस्ट में रहता है क्यू से. आगे आपको बोल रहा है x does not live on odd numbered floor. x जो है odd number के floor पर नहीं रहता, मतलब x even number के floor पर आएगा यहां या फिर यहां. r lives on an even numbered floor. r जो है वो भी even number के floor पर रहता है, मतलब r जो है वो यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा. with d on the same floor. तो r और d दोनों के दोनों same floor पर रहते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं. और क्या बोल रहा है आपको, y lives two floor above r. y जो है वो two floor ऊपर रहता है r से. Y जो है दो फ्लोर ऊपर रहता है R से, बट नॉट इन फ्लैट वन. लेकिन फ्लैट वन पे नहीं रहता. तो अगर फ्लैट वन पे नहीं रहता, देखो इससे R का तो हमको समझ में आ गया कि भाई R जो है वो तो इसी पे होगा, फिक्स हो गया, यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि R से दो फ्लोर ऊपर चाहिए, इससे ऊपर दो फ्लोर नहीं दिख रहे हैं. तो R तो यहीं कहीं पर आएगा. और हमको ये पता है कि R से दो फ्लोर ऊपर Y है, लेकिन यहां पर अगर R से दो फ्लोर ऊपर लेते हो तो Y यहां पर आएगा. लेकिन आपको क्या बोला कि y जो है वो फ्लैट वन पे नहीं रहता, मतलब फ्लैट टू पे y रहेगा यहां पर ऐसा. ठीक है, आगे और क्या बोल रहा है आपको. k lives immediately below the floor of d. k जो है वो d के जस्ट नीचे रहता है. सॉरी गलत बना दिया मैंने यहां पर. k जो है वो d के जस्ट नीचे रहता है. और क्या बोल रहा है, डी बट नॉट इन द सेम फ्लैट. लेकिन सेम फ्लैट पर नहीं है, मतलब कि ये अलग अलग फ्लैट पर होंगे. इसको ऐसा बना लेते हैं हम, मतलब डी और के जो है अलग अलग फ्लैट पर होंगे. अब यहां पर देखिए हम क्या कर सकते हैं. अगर मुझे ये पता चल गया कि आर यहां पर आने वाला है, तो हमको ये तो पता है ना कि आर और डी साथ में आने वाले, तो हम बोल सकते हैं आर और डी इन दो जगहों पर आएंगे. ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि आर यहां पर है, डी यहां पर है. अगर चेंज करना होगा तो कर देंगे, नहीं करना होगा तो ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, तो R और D वाली कंडीशन हो गई, R से Y हो गया. अब देखो X के लिए यहां पर कोई जगह नहीं बची, तो X जो है डेफिनेटली यहीं पर आएगा, और कोई जगह नहीं है आपके पास. ठीक है, अब आपको और क्या बताया है इसके बाद देख लेते हैं. Q से तीन छोड़कर M, मतलब हम बोल सकते हैं Q और M जो है वो इनमें से किसी एक पर आने वाले हैं. तो M जो है वो G से इस तरफ आना चाहिए ऐसा, और Q से ऊपर N होना चाहिए. तो ध्यान से सुनिए, अगर Q को इस वाले में ले लोगे ऊपर, तो उससे ऊपर आप ऐसे नहीं रख पाओगे, n को जगह नहीं है कोई भी, इसलिए q को रखते हैं हम यहां पर. ठीक है, अब अगर मैंने q को यहां पर रखा, तो हमको ये पता है कि m जो है वो तीन फ्लोर छोड़कर, तो एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर छोड़कर m यहां पर आ जाएगा. और m जो है वो g से वेस्ट की तरफ में है, तो g यहां पर आ जाएगा. अब आपको पता है q से नॉर्थ ईस्ट में n रखना है, तो q से नॉर्थ ईस्ट में n यहां पर आ जाएगा. बचा क्या है आपके पास, d के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर k होना चाहिए, तो d के जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर k होना चाहिए. एक नाम जो बच गया उसको यहां पर रख दो. तो बचा क्या है भाई हमारे पास, ए बचा हुआ है, ए को रख देते हैं यहां. क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. चलो चेक करते हैं इसको. MXADQ GYNRK बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर एकदम. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाइए. इसमें भी सुदामा जी आवाज आ रही है, एक बार फिर से बता दीजिए आवाज आ रही है कि नहीं.
दोस्तों ये स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी का ये इंटरफेस है। अनअकैडमी पर ऐसे ही क्लासेस होती हैं। अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप ले सकते हैं AL10 कोड लगाकर, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मैक्सिमम। माइक नहीं लगा था अभी, अब लगा रहा हूँ माइक, इसलिए आवाज नहीं आ रही थी शायद आपको। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 8 पर्सन ADGNCJMNX आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसली इन द सेम ऑर्डर। ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी। देखो सब लोग सर्कल पे बैठे हैं, अगर एक सर्कल को हम तोड़ दें, ब्रेक कर दें, तो ये ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी हमको। तो एक स्ट्रेट लाइन पे आप सर्कल बना लो, मतलब सर्कल को स्ट्रेट लाइन बना लो और उसमें 8 पर्सन बैठा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब क्या बोल रहा है आपको, ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी, ए सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी, ए जो है ये सेकंड टू राइट में है जी से। एम हु इज नॉट एडजेसेंट टू जी एंड ए, एम जो कि जी और ए के एडजेसेंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी, ये सेकंड टू राइट में है सी से। उसके बाद बोल रहा है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं। N is not an immediate neighbor of M and G. N is not an immediate neighbor of M and G. N जो है वो M और G का neighbor नहीं है. N जो है वो M और G का neighbor नहीं है. X sits second to left of D. X जो है वो second to left में है D से. J is not an immediate neighbor of G. J is not an immediate neighbor of G. तो J जो है वो G का immediate neighbor नहीं है. J does not sit opposite to X. J opposite में नहीं है X के, मतलब बीच में 3 पर्सन नहीं होने चाहिए, क्योंकि 8 लोगों के अरेंजमेंट में अपोजिट मतलब आमने सामने या फिर आमने सामने जो भी है, तो उसमें 3 पर्सन होते हैं बीच में। अब इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी एक कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन है यहां पर हमको दिख रही है, ये सी वाली, डी वाली, ये सी और डी वाली कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं डी से एक छोड़कर एक्स रखता हूं, कहीं पर भी रख दो आपकी मर्जी है, तो मैंने डी को यहां रख दिया, डी से एक छोड़कर एक्स को यहां रख दिया। अब अगर मैं यहां पर डी से 2 छोड़कर सी को रखता हूं, तो डी से 2 छोड़कर सी यहां भी हो सकता है, डी से 2 छोड़कर सी यहां भी हो सकता है। पहले लेफ्ट साइड ले लेते हैं, डी से 2 छोड़कर अगर मैं सी को यहां रखता हूं, तो सी से 1 छोड़कर एम होगा यहां पर ऐसा, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब आपको पता है x के सामने j नहीं है, तो x के सामने मतलब बीच में 3% छोड़कर यहां पर j नहीं आना चाहिए, और g से 1 छोड़कर a चाहिए आपको। तो g से 1 छोड़कर अगर आपको a चाहिए, तो अगर मैं g को यहां रखता हूं, तो 1 छोड़कर यहां पर a हो जाएगा। अगर मैं g को यहां रखता हूं, तो 1 छोड़कर a यहां पर हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं जी को यहां रखता हूं, एक छोड़कर ए यहां पर हो गया। अब बचा आपके पास क्या है, जे वहां पर नहीं आ सकता, तो जे को यहां पर रखना पड़ेगा, तो एन यहां पर आ जाएगा। अब एन जो था वो जी के बगल में नहीं आना चाहिए था, ये देखो, तो गलत हो गया कंडीशन, गलत हो गया। इसका मतलब ये जो हमने रखा था इसको इरेज कर देते हैं, मतलब काट देते हैं और यहां पर चेंज कर देते हैं।
तो हमने देखो जी यहां रखा था, आप जी को यहां पर रखते हैं। अगर मैं जी को यहां रखूंगा तो एक छोड़कर ए यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, जी के बगल में अभी भी देखो आप एन नहीं रख सकते, मतलब कंडीशन गलत हो रही है। तो अगर अभी भी कंडीशन गलत हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो ये सी को रखा था डी से लेफ्ट में, ये गलत है, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करेंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो डी से दो छोड़कर सी, सी से राइट में जाओगे तो एक छोड़कर एम यहां पर हो गया। अब देखो जी से एक छोड़कर ए लेना है, जी से एक छोड़कर ए नहीं हो सकता, जी को यहां रखोगे तो एक छोड़कर ए यहां पर हो जाएगा, जे अगर यहां नहीं हो सकता तो जे यहां पर हो जाएगा, एन यहां पर हो जाएगा। एक बार चेक करिए क्या ये सही है, जल्दी से देख के बताइए क्या ये सही है। चेक करते हैं, जे एम एक्स जी डी ए एन सी, जे एम एक्स जी डी ए एन सी बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए दोस्तों जल्दी से, 3 मिनट का समय है, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी से इसको ट्राई करिए आप लोग। Thank you.
हो गया क्या सॉल्व? डन के मैसेज तो आ रहे हैं काफी देर से, चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगा काफी नए स्टूडेंट्स हैं इसलिए इतना देर लगा रहे हैं। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। एट बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउट द अदर, ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एक्स एंड क्यू। एक्स और क्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ दो बॉक्सेस रखे गए। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है। ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, एस और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ दो बॉक्सेस है। डब्ल्यू विच इज प्लेस्ड अबव एस, डब्ल्यू जो है ये एस के ऊपर है, ऊपर कहीं भी हो सकता है। पी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव वाई, पी जो है ये वाई के इमीडिएट ऊपर है। ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड वाई, W और Y के बीच में दो बॉक्सेस हैं। R is kept above Z, R जो है वो Z के ऊपर है। अब देखिए यहां पर आठ बॉक्सेस हैं, आठ सात छ पांच चार तीन दो एक। कहां से स्टार्ट करें? काफी लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे स्टार्ट करें इसको, तो इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं हटाता हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर लगाना है डॉट मेथड। डॉट मेथड कैसे यूज करते हैं उसको सीखेंगे, थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करना होता है, डॉट मेथड में आपको मैक्सिमम प्लेसेस फिल करने होते हैं, मतलब कंडीशंस को आपस में लिंक करना होता है। तो देखिए यहां पर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो लिंक हो रही है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे ये कंडीशन दिख रही है, एस से दो छोड़कर डब्ल्यू, डब्ल्यू से दो छोड़कर वाई। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एस से दो छोड़कर डब्ल्यू और डब्ल्यू से दो छोड़कर वाई, ये लिंक हो गया। अब देखो टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, तीन तीन छह और एक सात, टोटल सात बॉक्सेस हो चुके हैं। मतलब डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि जो आठवां बॉक्स है या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, मतलब हमारा आंसर तो इतने में बनने वाला है। ये तो फिक्स हो गया, वर्टिकल में बनाना है बट आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतने में बनने वाला है, अब देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि हमने ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन को तो मर्ज कर दिया। अब क्या करना है, एस से एक छोड़कर क्यू लेना है, तो एस से एक छोड़कर इधर तो कोई जगह ही नहीं है, तो एस से एक छोड़कर क्यू यहां पर हो जाएगा। अब देखो Q से दो छोड़कर X लेना है, तो Q से दो छोड़कर X यहां पर भी आ सकता है, Q से दो छोड़कर X यहां पर भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता है S से ऊपर W होना चाहिए था, अगर S से ऊपर W होना चाहिए था तो हम बोल सकते हैं कि ये इस तरफ ऊपर है, इसको आप चाहो तो ऐसे करके ऊपर ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है, Y के जस्ट ऊपर P है, तो ये देखो Y के जस्ट ऊपर P यहां पर रखना है। अब अगर ये वाला डॉट यूज हो गया तो आठ तो यही हो गए ना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए एक्स जो है वो डेफिनेटली यहीं पर आ जाएगा। तो बचा क्या है आपके पास, Z के ऊपर R, तो Z को यहां रखो, R को यहां रखो, क्वेश्चन आपका सॉल्व। इसको अब मैं ऊपर अगर ऐसे बना दूं तो ये ऐसा बनेगा, P Y X R W Q Z S, आठ सात छ पांच चार तीन दो एक, सही है। तो इसको बोलते हैं डॉट मेथड। अगर आप इस मेथड को सीखते हैं पजल बनाने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत ज्यादा आपके लिए ये हेल्पफुल ट्रिक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को यहां पर समाप्त करेंगे, और अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है दोस्तों, तो इंटरफेस ऐसे ही रहता है, बस वहां पर हम बैठ के पढ़ाते हैं, यहां हम खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। तो अनअकैडमी पर मेरा नया कोर्स भी स्टार्ट हुआ है पजल का, पजल अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, ये कोड है दोस्तों, इसको लगा लीजिएगा, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, आपको सारे टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीके जितने भी टीचर्स हैं आप सभी की क्लासेस देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। खत्म करते हैं।